राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज आपको ये फ्लावर पे कलर करना करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मेरा कपड़ा थोड़ा पतला था, इसलिए मैंने एक कोट पहले वाइट की कर ली। अगर आपका कपड़ा भी थोड़ा पतला हो तो आप एक कोट वाइट की करके उसे अच्छी तरीके सुखा लीजिए, और उसके बाद आप जो चाहे वो कलर कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने इसमें वाइट कलर करा और उसको सुखा लिया। उसके बाद जब वो सूख गया, उसके बाद मैंने कलर करना स्टार्ट किया है। इसमें मैंने वाइट कलर किया और ऊपर से अभी मैं इसमें शेड्स दूंगी। इसे मैंने ये येलो कलर से हल्की हल्की शेड्स दी। इसके पहले मैंने हल्की सी आउटलाइन बनाई और इसको हल्की हल्की शेड्स देना शुरू किया। उस तरह से ही मैंने इसकी चारों तरफ पत्तियों को शेड्स देके कंप्लीट कर लिया। और अब बीच के भाग को मैं पूरा येलो करूँगी और उस पर शेड्स देके उसको उभारूँगी। ये मैंने हल्का सा ऑरेंज कलर से इस पर हाईलाइट किया है, जिससे कि ये उभरा हुआ लगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आए तो उसे लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसको मैंने फ्लैट ब्रश से शेड्स दी। मैं इसमें आपको दो तरीके के फ्लावर करना बताऊंगी और दोनों की शेड्स अलग अलग है। ये बीच में मैंने इसके पराग बना लिए। और फ्रेंड्स, मुझे यहाँ खाली खाली लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी दो इसकी पंखुड़ियाँ बना दी।
और फ्रेंड्स ये गलती से मेरा कपड़ा थोड़ा मैंने अपनी साइड खींच लिया था, इस वजह से कैमरे पे पूरा फोकस नहीं है। और फ्रेंड्स बताना आपको मैं ये फ्लावर कैसा लगा। अभी मैं आपको दूसरा फ्लावर भी करके दिखाऊंगी।
Thank you.